झरना गुजरात राज्य के कच्छ जिले में लखपत में स्थित हैं। मानसून के दौरान लखपत में कुंडी झरने का गिरता पानी यात्रियों को एक मनोरम दृश्य प्रदान करता है। जुलाई से सितंबर यात्रा का सर्वोत्तम समय है। पावागढ़ में खुनिया महादेव झरना भगवान शिव के मंदिर के निकट स्थित है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अद्भुत झरने के लिए प्रसिद्ध है। ज्यादातर लोग मानसून में इस जगह पर जाना पसंद करते हैं। यह स्थान स्पष्ट रूप से छिपा हुआ है, इसलिए यह आपके मन की शांति प्राप्त करने के लिए आदर्श स्थान है। चिमेर झरना या चिचकुंड झरना डांग में सोनगढ़ के निकट घने पेड़ों से भरे जंगलों और खूबसूरत पहाड़ी में स्थित है। यह झरना 327 फीट की ऊंचाई के साथ गुजरात के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। यहां तक आने के लिए आपको एक छोटी पैदल यात्रा करनी होगी, लेकिन हम पर भरोसा रखें, झरने का दिलकश दृश्य इसकी भरपाई कर देगा। यह वास्तव में गुजरात का छिपा हुआ रत्न है। द्रोणेश्वर महादेव के पास स्थित द्रोणेश्वर महादेव झरना गुजरात के ऊना से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर है। द्रोणेश्वर महादेव एक चमत्कारिक स्थान है, क्योंकि पिछले 400 वर्षों से यहां शिवलिंग पर जलाभिषेक हो रहा है और कोई नहीं जानता कि जल कहां से आ रहा है। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने इस मंदिर की स्थापना की थी। यदि आप सासनगिर में हैं, तो द्रोणेश्वर महादेव झरना देखना न भूलें। जुलाई से सितंबर यात्रा का सर्वोत्तम समय है। कोशमल झरना या भीगु झरना गुजरात के कुशमल में स्थित एक पर्यटक आकर्षण है। यह वाघई के निकट डांग जंगलों में स्थित है। हरे भरे परिदृश्य और बहता पानी इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श विश्राम स्थल बनाता है। जून से सितंबर यहां आने का सर्वोत्तम समय है। स्टेचू ऑफ यूनिटी के बहुत करीब स्थित जरवानी झरना शूलपनेश्वर वन्य जीव अभयारण्य के अंदर है। बरसात में यह जगह जन्नत से कम नहीं रहती। इस झरने तक पहुंचना आसान है और आप यहां अपने परिवार के साथ एक अच्छा और शांतिपूर्ण समय बिता सकते हैं। सुबीर अहवा के करीब स्थित गिरमाल झरना 100 फीट की ऊंचाई तक फैला हुआ है। गुजरात का सबसे ऊंचा माने जाने वाला यह झरना डांग के घने हरे जंगलों के अंदर स्थित है। पानी काफी ऊंचाई से तेजी से गिरता है, जिससे कोहरे जैसी स्थिति बन जाती है, जो देखने में आकर्षक लगती है। गिरमाल झरने की सुरम्य सुंदरता इसे आगंतुकों के बीच लोकप्रिय बनाती है। इसके भव्य रूप से गिरते पानी को देखने के साथ साथ आप यहां आकर्षक इंद्रधनुष भी देख सकते हैं। आई श्री गलधारा खोडियार मंदिर और गलधारा झरना अमरेली जिले के धारी में शेत्रुंजी नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 9 से 11वीं शताब्दी में हुआ था।
पास में 1967 में शेत्रुंजी नदी पर बनाया गया हुआ खोडियार बांध है। जून से सितंबर यात्रा का सर्वोत्तम समय है। जामजर गिर झरना गुजरात में सासन गिर जिले में स्थित है। यह गिर नेशनल पार्क से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर शिंगोड़ा नदी पर है। झरने के चारों तरफ बहुत ही अद्भुत सुंदरता है। आपको यहाँ गिर जंगल की सुरम्यता की एक झलक देखने को मिलती है। मुख्य सड़क से झरने तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा पैदल चलना होगा। गिर जंगल की यात्रा के दौरान यह अवश्य देखने योग्य स्थान है। यहां आने के लिए अगस्त से अक्टूबर का समय सबसे अच्छा होता है। दांग जिले में वाघई शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गिरा झरना शानदार दिखने वाला तेजी से बहने वाला ये झरना गुजरात के हरे भरे परिवेश के बीच स्थित है। इसे गुजरात का सबसे बड़ा झरना माना जाता है जो करीब करीब 30 मीटर या 98 फीट की ऊंचाई से गिरता है। यहां गिरा नदी का पानी ऊंचाई से अंबिका नदी में मिल जाता है। यह झरना पूरे साल पर्यटकों के लिए खुला रहता है। इस झरने तक आप जीप की सवारी के माध्यम से पहुंच सकते हैं, जो किराए पर भी उपलब्ध है।